वेलकम टू द शो यमी कॉर्नर। अगर आपको कोई बहुत सारा कड़ी पत्ता लाके दे दिया और आपके पास कड़ी पत्ते का झाड़ हो, आप सोचते होंगे इस कड़ी पत्ते का क्या किया जाए। आज हम इसी कड़ी पत्ते का बनाएंगे चटनी, कड़ी पत्ते की चटनी। तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे, पर तिल और जो शेंगदाना है उसे रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले शेंगदाना रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप खोबरा भी डाल सकते हैं, ये समझ में ज्यादा अच्छा रहता है। अब देख सकते हैं मेरे शेंगदाने रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर ये उतार लेंगे। इसी कढ़ाई में अब हम डालते हैं शेंगदाने। तो हो गए, तिल रोस्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए तिल हो गया, ये उड़ भी रहे काफी। तो गैस बंद कर लेते हैं और इसे भी उतार लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में जीरा और लहसुन डाला है, अब हम इसे भी थोड़ा सा सेक लेंगे। ये हो गया मेन इंग्रेडिएंट की बारी। अब हम पहले इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तो कड़ी पत्ता डाल लेते हैं। तो अच्छी कुरकुरी हुई तब तक हम इसे ऐसी, जब तक अच्छी कुरकुरी हो जाती है हम इसे सेक लेंगे। तो हमारा कड़ी पत्ता हो चुका है, अब हम इसे भी इसी बाउल में निकाल लेंगे। मिक्सर जार, मैं इसे इसके अंदर पोर कर देती हूँ। तो ये भर दिया हमने, इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब हम इसे मिक्स करके ग्राइंड करके ले लेंगे। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है, ग्राइंड हो गया, ये चटनी रेडी है। तो मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। तो चटनी निकाल ली। अगर आप एक बार इसे ट्राई करोगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहुत टेस्टी चटनी है।